हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कैंपेन का जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है ऑडियंस की टारगेटिंग करना। अगर आप अपने टारगेट अच्छे से नहीं करते हैं, आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आप अपने ऑडियंस की, तो आपका कैंपेन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आपके कैंपेन का जो रीढ़ की हड्डी है वो होता है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। इसलिए फेसबुक में आपको बहुत सारे ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। आप डेमोग्राफिक के आधार पर, आप इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन, जेंडर, इन सब के बेस पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट की, अपने कस्टमर की। इसके साथ साथ आप यहां पर कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑडियंस की। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करा हो जिन लोगों ने आपके कंटेंट के साथ इंगेज करा हो, इंटरैक्ट करा हो, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप उन्हें भी दिखा सकते हैं। इसी तरह आप अपने वेबसाइट विजिटर को ही सिर्फ ऐड दिखाना चाहते हैं, रीटारगेटिंग करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा अमेजिंग फीचर आपको मिलते हैं फेसबुक के अंदर, बस आपको ये सारी चीजें सीखनी है और अप्लाई करनी है, तभी आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप रिजल्ट ला सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें आपको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये सारी चीजें। अगर एक भी चीज आप मिस करते हैं तो आपका कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा, जिससे कि आपको और आपके क्लाइंट को दोनों को नुकसान होगा। मैं एक सिनेरियो से आपको समझाऊंगा कि किस लिए हम सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं और सेव्ड ऑडियंस होता क्या है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये कैंपेन चल रहे हैं मेरे क्लाइंट के लिए, फोटोग्राफर्स हैं और भी रियल एस्टेट से रिलेटेड क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मैंने ऑडियंस की टारगेटिंग करी, आपको पहले ये एक कैंपेन चलाना है। अब देखना है कि उस कैंपेन में जिसने, आपने जो भी ऑडियंस की टारगेटिंग करी, वो ऑडियंस टारगेट करने के बाद जो लीड्स आए उस ऑडियंस से, वो क्वालिफाइड लीड है, यानी आपने जिस चीज के लिए लीड जनरेट करा और वो यूजर वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें इस टाइप की प्रोडक्ट या इस टाइप की सर्विस की नीड है, तो इसका मतलब है कि वो जो लीड है वो क्वालिफाइड लीड है और आपके ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ऑडियंस को आप सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आप आगे भी, आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जिसके लिए आप एड रन करेंगे, सेम बिजनेस के हैं, सेम इंडस्ट्री के हैं, तो आप उनके यहां भी इसी तरह के ऑडियंस को टारगेटिंग करेंगे ताकि उनको भी लीड आए जैसे आपके इस एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को लीड आ रहे हैं। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आपका टाइम सेव होता है और आपके जो क्लाइंट है वो भी हैप्पी होते हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये एक वेडिंग फोटोशूट, एंगेजमेंट शूट्स वगैरह के लिए ये क्लाइंट्स है। मैं यहां पर अभी लीड्स 6 आई है और इन 6 से बात करके मुझे ऐसा लगा है कि लीड्स बहुत ही क्वालिफाइड है, ये लोग आ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, बट फेसबुक में क्या होता है, जब भी आप न्यू कैंपेन लाइव करते हैं तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आप वहां पर 4-5 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, एक हफ्ते तक आपका कैंपेन चलता है, तो उसके बाद ये सेटल होता है, उसके बाद ये कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो कम होते चले आएंगे। फेसबुक एड्स जितना ज्यादा सेटल होता चला जाता है, आपका कैंपेन जितना ज्यादा ओल्ड होगा, उतना ही आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम होती चली जाएगी। अब मेरा टारगेट ये है कि अभी जो ये मुझे लीड्स, एक लीड 160 रुपए की पड़ रही है, मैं इसे 80-90 रुपए पर लाऊंगा। अब आपको ये ध्यान में नहीं देना है कि ये बहुत महंगी है, आपको डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है आप जो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस रेंज क्या है। अगर मैं बात करूं अपने क्लाइंट की, ये तो 1-1.5 लाख रुपए इनके स्टार्टिंग है, ये डे वाइज लेते हैं फोटोशूट के। तो आप अगर सोचिए, अगर एक कोई क्लाइंट है यहां पर, जैसे मैंने 6 लीड्स लाए, अगर इसमें से 2 या 1 भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो 1.5 लाख रुपए पे कर देते हैं फोटोशूट के लिए, एंगेजमेंट शूट के लिए, तो वो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉफिट है। खर्च कितना हुआ, 160 रुपए। अगर टोटल कैंपेन की बात करूं तो अभी तक सिर्फ 964 रुपए खर्च हुए हैं यहां पर, और यहाँ पे 6 लीड्स आ चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट है, ROS है, वो कितना ज्यादा है। तो आपको जो कॉस्ट की लीड है, तो आपको जो लीड की कॉस्ट है उस पर कभी फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको फोकस करना है कि लीड की कितनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप सेव ऑडियंस क्रिएट करेंगे। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। एक तरीका है, आप ऑडियंस पे आएंगे तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के जो ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, चाहे आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना हो, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना हो, सेव ऑडियंस क्रिएट करना हो, वो सब आप यहां से कर सकते हैं। यहां देखिए, मैंने अभी से पहले, ये सब मेरे ऑडियंस है जो
कोई लुक अलाइक ऑडियंस है, कोई कस्टम ऑडियंस है, कोई सेव्ड ऑडियंस है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, इस कोर्स में कंप्लीट कोर्स में आपको बता रहा हूं। यहां देखेंगे आप आएंगे मेरे YouTube चैनल पर, यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगे। यहां पर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहां पर देखेंगे आपको बहुत सारे, यहां पर देखेंगे आप फेसबुक एड्स कोर्स है जिसमें अभी तक 27 वीडियोस जा चुकी है और इसमें और भी वीडियोस मैं इसमें अपडेट करता रहता हूं। जैसे जैसे कोई चेंजेस आते हैं, कोई न्यू कैंपेन इंट्रोड्यूस होता है या कोई भी टेक्निकल चीजें जैसे आती है, किसी की प्रॉब्लम आती है, कोई कमेंट करता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनके कमेंट को लेकर वीडियोज बना देता हूं, तो इस कोर्स में एड हो जाएगा। इस कोर्स को आप कंप्लीट देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, मेरी गारंटी है कि आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लिंक्डइन मार्केटिंग सीखना है, यूट्यूब मास्टरी, गूगल एड्स, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपको यहां पे SEO, WordPress वेबसाइट डेवलपमेंट, फेसबुक मार्केटिंग, इन सब के ऊपर मैं कोर्स क्रिएट कर चुका हूं। अभी जा सकते हैं आप मेरे चैनल को और विजिट कीजिए और ये सारे चीज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। बस आपसे मुझे एक सपोर्ट की जरूरत है, वो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए ताकि आपको ये सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि कस्टम ऑडियंस आपको क्रिएट करना है, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना है या सेव ऑडियंस क्रिएट करना है। तो कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस की जो बात है वो मैं सब आपको बता चुका हूं इस कोर्स में। इस कोर्स में मैंने डिटेल से बताया है कस्टम ऑडियंस क्या है, किस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन द फेसबुक प्रोफाइल विजिट, बेस्ड ऑन द इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, बेस्ड ऑन द वीडियो वॉच, बेस्ड ऑन द वेबसाइट, बेस्ड ऑन द कस्टमर लिस्ट, यानी आपके पास अगर डेटा है आपके अपने कस्टमर कि आप उनका ईमेल है, आप उनका नंबर है, फोन नंबर है आपके पास, तो उनके बेस पर भी आप उनको एडवर्टाइजिंग दिखा सकते हैं। ये सारे तरीके यहां पर आप सीख सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है, तो आप ये सारे कोर्स को कंप्लीट देखिए, ठीक है। यहां पर सेव ऑडियंस पे आप जाएंगे, यहां देखिए आप सेव ऑडियंस आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने इस कैंपेन में अभी जो कैंपेन मैंने आपको दिखाया उस कैंपेन में जो जो चीजें मैंने डाली थी मैं यहां पर डाल सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर जो टारगेटिंग करी अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं उस कैंपेन को ताकि आपको यहां पर आप फ्रेश बना सकते हैं। जैसे नेम डालेंगे, सबसे पहले ऑडियंस का नेम डालेंगे, आप यहां पे कस्टम ऑडियंस रखना चाहते हैं, यहां पे लोकेशन, उनकी जो एज क्या है, जेंडर क्या है, लैंग्वेज क्या है, डिटेल टारगेटिंग आप करेंगे और उस तरीके से आप यहां पे बना सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन वो बहुत ईजी है, वो मैं आपको बताता हूं। मैं कैंपेन एक तरफ दो एक ही कैंपेन है, मैं दोनों दो स्लाइड में ओपन कर लिया हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मैं यहां से चेंज कर लेता हूं, यहां देखिए मैं इस कैंपेन को एडिट करता हूं, ठीक है। मैं यहां से एडिट करूंगा, एक चीज मैं आपको दिखा देखो, अभी मैं दिखा रहा था आपको लाइव, अभी 6 यहां पे लीड्स आए थे लेकिन एक और लीड आ चुकी है, 7 लीड हो चुकी है। अब जैसे यहां पर लीड आएगी यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम होती चली जाएगी। यहां देखिए अभी 160 दिख रहा था, ये 139 का कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया। तो मैं आपको जैसे कह रहा था कि जैसे जैसे आपका कैंपेन पुराना होता है, सेटल होता चला जाता है, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे लाइव यहां पर आपके कैंपेन दिख रहा है, लाइव यहां पर आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। मैं यहां एडिट करूंगा, ठीक है, और डायरेक्ट मैं जाऊंगा यहां पर ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। यहां जाऊंगा मैं ऑडियंस, ये देखिए ये है मेरा ऑडियंस। यहां पे मैंने इसे सेव कर रखा था, ऑडियंस 1 इसका नाम दिया है। इसमें लोकेशन देख सकते हैं, गुरुग्राम है, पंचकुला है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये मैंने लोकेशन की टारगेटिंग करी, मैंने बताया इसको कैंपेन में कि ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं और इसका रेडियस मैंने 25 माइल दिया, इन्हें ही मेरा एड दिखाइए। मैंने एज इतना रखा 21 to 50, एक्सक्लूड कर दिया मैंने इसमें से इवेंट प्लानर को, कोऑर्डिनेटर को, जो जॉब टाइटल है फोटोग्राफर जॉब ढूंढ रहे हैं, मुझे उन्हें नहीं दिखाना एड। मुझे ऐसे लोगों को एड दिखाना जो इंगेज करे हों, जो न्यूली इंगेज हो, जो हाई वैल्यू गुड्स प्रेफर करता हो, जो जो मैरिज की जो चीजें हैं उसमें वो इंटरेस्ट हो, तभी उसी के अकॉर्डिंग मैं इन्हें टारगेट करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑडियंस की टारगेटिंग, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगर आपका भी क्लाइंट है जो वीडियो फोटोग्राफर है, इंगेजमेंट शूट है, प्री वेडिंग शूट वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आप भी ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जैसे मैं इसे ऑलरेडी सेव कर रखा हूं, मैं इसे एडिट करूंगा यहां से, देखिए यहां पर यही ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये सेम ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है। ऑडियंस का नेम रखना है आपको यहां पे, इंडिया यहां पे है, आपको इंडिया में किस जगह चलाना चाहते हैं, एज जेंडर आपको यहां पे रखना है, और एक आपको एक ऑडियंस की यहां पे क्या बना लेनी है, आपको टारगेटिंग, आपका सेव ऑडियंस हो जाएगा। यहां देख सकते हैं आप इस तरीके से मैं यहां पे सब कुछ डाल चुका हूं, यहां पे एज है, जेंडर है,
ये सब। अब मैं इसमें अगर कुछ चेंज करना है मुझे, वैसे मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि कैंपेन लाइव है, मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो ये मेरे कैंपेन को इफेक्ट कर देगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट कर लेना है, सेव कर लेना है इसे। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो फिर आपका जो यहाँ पर एक सेव ऑडियंस बन जाएगी, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ऑडियंस वन, यहाँ पे ये ऑडियंस वन वही ऑडियंस है जो मैं इस कैंपेन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर आप मिलाएंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑडियंस वन है, एस्टिमेटेड साइज यहाँ इतना है, टाइप क्या है सेव ऑडियंस है, क्रिएट कब करा है मैंने, लास्ट अपडेट कब करा था, लोकेशन आप देखेंगे तो देखिए सेव ऑडियंस में भी आपको भी दिखा रहा हूँ और लोकेशन को भी लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, गुरुग्राम है, कोलकाता है, नोएडा है, पंचकुला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज 21 to 50 है, यहाँ देखिए 21 to 50 है, पीपल हु मैच इंटरेस्ट मैंने दिखाया यहाँ पे, ये सारी चीजें, तो ये सेव्ड ऑडियंस है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर आपको सारे ऑडियंस मिलेंगे, वो सारे कस्टम ऑडियंस हो, लुक अलाइक ऑडियंस हो या सेव ऑडियंस हो। अब आगे जब मैं किसी क्लाइंट के लिए मैं कैंपेन चलाऊंगा, मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, यहाँ से कट, अगर मुझे किसी नए क्लाइंट आते हैं मेरे पास, वो भी सेम कैटेगरी के हैं, सेम इंडस्ट्री के, तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करूंगा और ये वाले जो ऑडियंस है, ये वाले ऑडियंस को मैं वहां पे सेलेक्ट कर लूंगा, या थोड़ा बहुत उनका जो कस्टमाइजेशन होगा कि कोई लोकेशन की चेंज करना है या फिर कोई जेंडर चेंज करना है तो बस वही रखूं, वही चेंज करूंगा, बाकी जो सेम चीजें हैं जो ऑडियंस की टारगेटिंग है, जो मैंने इसमें डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो भी टारगेटिंग करी है वो सब सेम रहेगा और उससे उन्हें भी रिजल्ट आएगा जिस तरीके से अभी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहा है। तो यह फायदा होता है आपको सेव्ड ऑडियंस की, सेव ऑडियंस बहुत अच्छी चीज है, आपको फिर से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बस आपको कैंपेन डिजाइन करना है और वहां पर आपको सेव्ड ऑडियंस बना देना है, ना कि आपको डिटेल टारगेटिंग फिर से करना है। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि सेव ऑडियंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप और डिटेल में फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप ज्यादा सीखना चाहते हैं डिटेल में फेसबुक एड्स के बारे में, तो आप आ सकते हैं मेरे चैनल को विजिट करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 550 प्लस वीडियोज में अभी तक बनाया हूं आप लोगों के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यहां पर वीडियोज मिल जाएंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आपके लिए एक वरदान की तरह हो सकती है, तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरह है। मेरी ये ऑब्जेक्टिव है कि इस YouTube चैनल को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, उन सब पर मैं वीडियोस बनाकर डाल दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप कोई पैसे खर्च ना करें, फ्री में आप यहां से सीख सकते हैं ये सारी चीजें। प्रैक्टिकल करके मैं सिखाता हूं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर और इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसे फिर आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकें। यहां देख सकते हैं आप बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बस इसके लिए बस आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। यहां पर देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट है उन सब से रिलेटेड मैं यहां पे कोर्सेज क्रिएट कर चुका हूं, आप जा सकते हैं और आप अपने नीड और कमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे कोर्सेज सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।